लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज जाएगी बरेली। मीरगंज में होगी पहली सभा। सीएम शिंदे ने की शिव संकल्प अभियान की घोषणा, 6 जनवरी से करेंगे सभी 48 सीटों का दौरा। मोदी सरकार की बढ़ेगी परेशानी, एमएसपी समेत दूसरी मांगों पर संयुक्त किसान मोर्चा समेत 5 यूनियनों का हरियाणा में प्रदर्शन आज। जस्टिस एस चंद्रशेखर बने झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, आज से संभालेंगे कार्यभार। रामलला के जलाभिषेक के लिए जानकी मंदिर से जल कलश रथ रवाना, जल आज पहुंच जाएगा अयोध्या। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले नीलम के हक में आज होगा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरेंगे किसान और सामाजिक संगठन। झारखंड में पहली बार होगी 550 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति, सीएम हेमंत सोरेन खुद देंगे नियुक्ति पत्र। प्रशांत कुमार बने यूपी के नए डीजी, 1 जनवरी को संभालेंगे कार्यभार। एक्टर और डीएमडीके पार्टी के चीफ विजय कांत का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे होगी अंत्येष्टि। घने कोहरे की चपेट में दिल्ली सहित अन्य राज्य, कई फ्लाइट्स और ट्रेन हुई लेट। मिस्र से युद्ध विराम योजना पर चर्चा करेगा हमास का प्रतिनिधित्व मंडल, गजा में फिलिस्तीनियों के लिए जान बचाना बना चुनौती। तीस्ता पर चीन के प्रस्ताव पर भारत के हितों का ध्यान रखेगा बांग्लादेश, ड्रैगन ने नदी पर विकास कार्य में सहयोग की रखी है पेशकश। ब्रिटेन में गैरिट तूफान ने मचाई भयंकर तबाही, हजारों घरों की बिजली गुल, स्कॉटलैंड भी प्रभावित। गजा में फिलिस्तीनियों के लिए जान बचाने की चुनौती, आम लोगों के लिए कोई भी क्षेत्र नहीं बचा सुरक्षित। ड्रैगन ने ताइवान में भेजे लड़ाकू विमान, कहा चुनावी लाभ के लिए खतरे को दे रहा हवा। एफआईयू ने 9 विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया, यूआरएल को भी ब्लॉक करने की सिफारिश। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने जताया भरोसा, कहा निश्चिंत रहे कभी नहीं डूबेंगे ये बैंक। जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम 13% बढ़ा, आईआरडीआईए ने जारी किया वार्षिक रिपोर्ट। न्यू ईयर के लिए उत्तराखंड में तैयारी तेज, मसूरी और औली में पार्किंग की चुनौती, फुल हुए होटल। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब रद्द रहेगी 89 ट्रेनें, कई गाड़ियों का बदला गया रूट।